गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव 7 में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज प्रैक्टिस सीट 8 लेके आए हैं। इसी तरह इवनिंग में जो है हम प्रैक्टिस सीट जो है हमेशा ला रहे हैं, और आप लोग जो है इसे एवरीडे वॉच कीजिए, बहुत गेन मिलेगा फ्रेंड्स। और मैं इसके साथ रिक्वायरमेंट से रिलेटिव वीडियो भी डाला करता हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जो भी छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट से अपडेट आता है मैं उसे आप लोग से शेयर कर देता हूँ। तो आप लोग जो है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि नोटिफिकेशन मेरे चैनल के माध्यम से जल्द प्राप्त होगा। और आपको अगर बिहार एसएससी का और भी वीडियो देखना है तो मैं प्लेलिस्ट बना चुका हूँ। आप इवनिंग क्लास में, मेरे प्लेलिस्ट में इवनिंग क्लास पे जो है सर्च करोगे तो प्लेलिस्ट में सारा वीडियो जो है पार्ट 1 पार्ट 2 सभी मिल जाएगा। और बिहार दरोगा के लिए भी मैं प्लेलिस्ट में वीडियो इंस्टॉल कर चुका हूँ, वहाँ भी आप जाके देख सकते हैं। और स्पेशल बिहार का भी वीडियो प्लेलिस्ट में डाल चुका हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें रिक्वायरमेंट से अपडेट पाने के लिए, और इसी तरह का प्रैक्टिस सेट पाने के लिए। फ्रेंड्स, जो मैं वीडियो अभी कवर करवा रहा हूँ, आप लोग को प्रोवाइड करवा रहा हूँ, उसमें 85 अगर मेरे साथ चले तो 85% से एबव जो है फ्रेंड्स आप जीएस तैयार आपका हो चुका होगा। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए आप लोग को कहना चाहूँगा कि आप लोग मेरे साथ निरंतर मेरे वीडियो को वॉच करते रहे। जब मैं वीडियो डालूं तो पर डे आप वीडियो देखा करें। सो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। तो फ्रेंड्स, अब प्रश्न है कि कावेरी नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो कावेरी नदी गुजरात से नहीं गुजरती है, हमारा आंसर हो जाएगा गुजरात। और एक और है कि एक और एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से बनता है कि कावेरी नदी के लिए जो है कर्नाटक और तमिलनाडु में जो विवाद है वो किस नदी के मतलब लिए विवाद है। तो वो यही है कावेरी नदी के लिए जो है प्रश्न में हमेशा आता है कि कर्नाटक और तमिलनाडु में भी विवाद चल रहा है वो किस नदी के कारण है। तो वो है कावेरी नदी। और कावेरी नदी जो है किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, तो गुजरात। अब यहीं गुजरात की बात कर लें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो गुजरात जो है में जो है मूँगफली अधिक होता है फ्रेंड्स, तो ये बात भी याद रखनी है। नेक्स्ट है कि किस वर्ष भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने अपना पहला ओलंपिक पदक जीता। तो हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारा आंसर ए यानी कि 1928 में। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि जीवन की मूलभूत इकाई क्या है। तो जीवन की मूलभूत इकाई जो है कोशिका हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है कि चाणक्य का नाम क्या था। तो चाणक्य का नाम विष्णुगुप्त भी था, और एक नाम और था जो है कौटिल्य भी कहा जाता था। और चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी थे और राजनीति गुरु थे, उन्हें जो है राजनीति गुरु भी कहा जाता था। नेक्स्ट है कि भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है। तो प्रधानमंत्री, हमारा आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। अब प्रधानमंत्री के बारे में जानते हैं कि प्रधानमंत्री को पहले योजना आयोग भी कहा जाता, योजना आयोग के
हेड कहा जाता था, लेकिन अब योजना आयोग को बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है। फ्रेंड्स याद रखिएगा, नीति आयोग का जो है हेड कौन होता है, प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट है एतमादौला का मकबरा का निर्माण किसने कराया, तो एतमादौला का मकबरा का निर्माण नूरजहां बेगम ने करवाई थी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है कांग्रेस के 55वां अधिवेशन मेरठ की अध्यक्षता में जो है अध्यक्षता किसने किया था, तो कांग्रेस का 55वां अधिवेशन मेरठ की अध्यक्षता जो है जेबी कृपलानी किए थे। हमारा आंसर ये हो जाएगा। अब जेबी कृपलानी के बारे में भी थोड़ा सा डिटेल जान लेते हैं एग्जाम ऑफ पॉइंट व्यू से, कि जो है जेबी कृपलानी जो थे वो झंडा समिति के अध्यक्ष थे और स्वतंत्रता के समय जो है कांग्रेस का भी ये अध्यक्ष रहे हैं, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है कि किस अधिनियम के द्वारा 1843 ईस्वी में दास प्रथा का प्रतिबंध लगा दिया गया, तो हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कि एक्ट 4, सॉरी फ्रेंड्स एक्ट पाँच के तहत जो है दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया, इसमें नहीं है। और जो है इस समय जो है कौन किए थे, तो लॉर्ड एल्वेरो जो है इस समय जो है एक्ट पाँच के तहत जो है दास प्रथा को ख़त्म कर दिए थे, इस समय उन्हीं का शासन था, लॉर्ड एल्वेरो को। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हिमालय। और हिमालय के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि ये जो है हिमालय को नवीनतम पर्वत भी कहा जाता है, नवीनतम पर्वत का उदाहरण भी हिमालय है। नेक्स्ट है कि डांस विद ओशन डांस जो है, यहाँ डांस लिख दीजिए फ्रेंड्स, डांस हो जाएगा, डांस कटिबंधीय घास का मैदान किस देश में पाया जाता है, डांस DOWNS डांस, ठीक है, डांस मिस्टेक हो गया फ्रेंड्स, इसके लिए सॉरी। डांस कटिबंधीय घास का मैदान किस देश में पाया जाता है, तो वो है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अब घास के मैदान से जब रिलेटिव क्वेश्चन से एग्ज़ाम ऑफ पॉइंट से जो है व्यू से जो है जान लेते हैं कि कौन कौन घास कहाँ पाया जाता है, तो डांस तो जान गए कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स पंपास जो है अर्जेंटीना में पाया जाता है, उसी तरह वेल्ड जो है दक्षिण अफ्रीका का, वेल्ड जो है घास का मैदान जो है कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका में है। और उसी तरह घास का मैदान जो पेरी कहते हैं, पेरी जो है वो जो है उत्तरी अमेरिका में है। याद हो जाना चाहिए कि पंपास जो है अर्जेंटीना में है, पंपास बोले तो अर्जेंटीना में, और वेल्ड बोले तो दक्षिण अफ्रीका में। वेल्ड जो है घास का मैदान है, ठीक है, और पंपास भी घास का मैदान है और पेरी भी घास का मैदान है, तो पंपास जो है अर्जेंटीना में, वेल्ड बोले तो दक्षिण अफ्रीका में, और पेरी बोले तो उत्तरी अमेरिका में फ्रेंड्स। ओके चलते हैं, नेक्स्ट है कि औद्योगिक नगर वेनिस किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो हमारा आंसर हो जाएगा कांच उद्योग, इसके लिए प्रसिद्ध है कांच उद्योग। अब जो है नेक्स्ट है कि मंगोलिया की राजधानी कहाँ है, तो मंगोलिया की राजधानी जो है उलान बटोर है, ठीक है, उलान बटोर जो है मंगोलिया की राजधानी हुई। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि
न्यू राखी मंदिर का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? सॉरी फ्रेंड्स, तो हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कि न्यू राखी जो है ये है चित्रकूट पहाड़ी, हमारा आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि बॉक्साइट बिहार के किस जिला में पाया जाता है? तो बॉक्साइट जो है बिहार के मुंगेर जिला में पाया जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस स्थान को WTA आवर्स में विश्व के प्रमुख खेल पर्यटन स्थल के रूप में चयनित किया गया है? तो ये है आबू धाबी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है कि भारत का सबसे ऊंचा झरना जोग या गरुसप्पा किस राज्य में स्थित है? ठीक है फ्रेंड्स, तो जोग या गोरसप्पा की बात कर ले फ्रेंड्स, तो जोग और गोरसप्पा जो है वो कर्नाटक में स्थित है। कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है कि सबसे व्यस्त नहर जो है कौन है? तो बताना है कि सबसे व्यस्त नहर कौन है। तो सबसे व्यस्त नहर फ्रेंड्स कील नहर है। सबसे व्यस्त नहर कील नहर है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है फ्रेंड्स, दो क्वेश्चन एक हो गया है, माफ़ कीजिए। ये जो है निम्नलिखित में किस राज्य का नृत्य है, क्या है? तो हमें बताना है कि किस राज्य का नृत्य जो है वो कर्मा है। कर्मा फ्रेंड, तो कर्मा नृत्य जो है वो झारखंड का है। बिहार का बोल दे तो चाड़ हो गया, पश्चिम बंगाल का जात्रा सुमित्रा हो गया, और अपहन भी जो है बिहार का हो गया, और उत्तर प्रदेश का तो ये हो गया सर, ये हो गया यहाँ का उत्तर प्रदेश का, तो ये नौटंगी झुमरी कजरी ये सब जो है उत्तर प्रदेश का हो गया फ्रेंड। नेक्स्ट है कि जींस का नीला रंग किसके कारण होता है? तो हमें बताना है कि जींस का जो है नीला रंग जो है किसके कारण होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कि सी, यानी कि इंडिगो। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स, सिलिका अम्ल में सोडियम बाइकार्बोनेट को मिलाए जाने पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस विमुक्त होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बैक हेड ड्राइव किस खेल से संबंधित है? तो हो जाएगा लॉन टेनिस से। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दीपा कर्मकार से संबंधित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि भारत की सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो भारत की सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, यहाँ पर भारत की सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की बात कर ले तो 1950 में हुई थी। नेक्स्ट है कि पानी का घनत्व क्या होता है? तो पानी का घनत्व जो है 1000 किलो पर घन होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड कि अर्थशास्त्र में प्राइमरी गोल्ड किसे कहते हैं? तो इसे जो है प्राइमरी गोल्ड किसे कहते हैं? तो ये जो है 24 कैरेट सोने को, यहाँ हो जाएगा फ्रेंड्स प्राइमरी गोल्ड कहते हैं 24 कैरेट सोने को। नेक्स्ट है अनुदेशक का सेट जो कंप्यूटर को क्या करना है या क्या बताता है? तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं प्रोग्राम। नेक्स्ट है कि पुरी के जगन्नाथ रथ यात्रा जो है, रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? तो भगवान जगन्नाथ के, पुरी भुवनेश्वर में है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है कि संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो संतरा में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं? तो सिगरेट लाइटर में जो है कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं? तो ब्यूटेन का प्रयोग करते हैं।
नेक्स्ट है फ्रेंड्स, तो यही लास्ट था फ्रेंड्स। आशा करता हूँ कि वीडियो जो है समझ में आया होगा, मेरे द्वारा पढ़ाया गया सॉरी हर टॉपिक समझ में आया होगा। और जो जो भी कमेंट रहे, जो भी समझ में ना आए या फिर कोई शिकायत रहे तो मुझे जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। सो बाद में मिलेंगे फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय। मेरे चैनल को क्लिक करें, सब्सक्राइब।